नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह बेहद ही दिलचस्प विषय है। आजकल के इस तकनीकी भरे युग में जहां इंसानों की पसंद में जमीन से लेकर आसमान तक का बदलाव आ गया हो, चाहे वह उसके कपड़े पहनने की पसंद हो तो चाहे खाना खाने की पसंद, जब हर तरह की पसंद में बदलाव देखा जा रहा है तो फिर सेक्सुअल टेस्ट में भी पसंद में परिवर्तन होना अनिवार्य या फिर जरूरी बन जाता है। तो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही विषय के बारे में जहां मनुष्य की पसंद इंसानों के प्रति आकर्षण से हटकर अब इंसानों की मशीनों के प्रति आकर्षण की तरफ बढ़ रही है। तो चलिए जानते हैं एक ऐसे ही किस्से के बारे में। My name is Harmony. I was created by robotics. My main objective is to be a perfect companion. The future is. It was when my creators turned me on. जापान के टोक्यो में 35 वर्षीय स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर अकीहिको कोंडो ने नवंबर में शादी रचाई थी, लेकिन उनकी माँ इस शादी में मौजूद नहीं थी। उनकी माँ के लिए यह कोई जश्न की बात नहीं थी। वजह साफ थी, अकीहिको ने एक होलोग्राम से शादी की थी। कोंडा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा था, यह कोई स्टंट नहीं था, बल्कि कई सालों बाद गीक महिलाओं से निकलकर थकने के बाद होलोग्राम से उन्हें सच्चा प्यार हुआ। वह खुद को एक सेक्सुअल माइनॉरिटी समझते हैं। कोंडो कहते हैं, उन पर इंसानों की तरफ आकर्षित होने का दबाव डालना ऐसा ही है जैसे किसी गे से किसी महिला को डेट करने के लिए कहना। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जो खुद की पहचान डिजी सेक्सुअल के तौर पर कर रहे हैं। डिजी सेक्सुअल यानी जो लोग रियल लोगों के बजाय रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आकर्षित होते हैं। दोस्तों, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से विकास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की सेक्सुअल पहचान का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जीते जागते इंसान बनावटी तौर पर भावनात्मक और सेक्सुअल रिश्ते बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिजिटल डिवाइस साइंस फिक्शन मूवी से निकलकर हार्ड मास के बने इंसानों जैसे रियल हो चुके हैं। कुछ लोग अपनी पहचान पॉलीमॉर्स के रूप में भी करते हैं, तो कुछ डेमीसेक्सुअल के तौर पर अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं। डेमीसेक्सुअल वे लोग होते हैं जो केवल बेहद भावनात्मक रिश्ते में ही यौन संबंध बनाने की चाह महसूस करते हैं। कुछ लोग अपनी पहचान एरोमेटिक के तौर पर भी कराना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जिनमें रोमांस की इच्छाएं नहीं होती हैं, यानी अब सेक्सुअल आइडेंटिटी का दायरा पहले के मुकाबले बहुत बड़ा हो चुका है। रियल लाइफ में मानव और तकनीक के बीच के रोमांस को भी अब एक नाम दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, डिजी सेक्सुअल्स। 2016 में लिली नाम की एक फ्रेंच महिला ने मीडिया से बातचीत में बताया था, मैं केवल रोबोट की तरफ ही आकर्षित हूँ। दो पुरुषों के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद मुझे अपना लव ओरिएंटेशन पता चल गया, क्योंकि मुझे इंसानों से शारीरिक संपर्क बनाना अच्छा नहीं लगता था। 2017 में एक अच्छी पत्नी की तलाश में असफल होने पर चीन में झेंग जिजिया नाम के एक इंजीनियर ने अपनी ही बनाए हुए रोबोट से शादी कर ली थी। यिन ग्यांग नाम की यह रोबोट कुछ आसान से शब्द भी बोल सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मनीटोबा में फिलॉसफी के एसोसिएट प्रोफेसर नील मैक आर्थर और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्किंसन स्टाउट में ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज के प्रोफेसर मार्की ट्विस्ट ने पिछले साल द राइज ऑफ डिजी सेक्सुअलिटी शीर्षक से एक पेपर प्रकाशित किया था जिस पर खूब चर्चा हुई थी। लेखकों ने डिजी सेक्सुअलिटी को दो कैटेगरी में बांटा था, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, हुकअप एप्स, सेक्सटिंग, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, जहां यौन संतुष्टि के लिए तकनीकी एक जरिया था, और दूसरी कैटेगरी जिसमें वर्चुअल रियलिटी और रोबोट जैसी चीज़ों के प्रति आकर्षित होने वाले लोग, जिसमें कई बार लोगों के रियल लाइफ पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह तकनीक डिजिटल डिवाइसेस से निकलकर मनुष्य के जीवन में सीधा प्रवेश कर गई है।
चाहे तो हम विभिन्न साइट्स के द्वारा विभिन्न लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं या फिर सीधे ही डिजिटल डिवाइसेस को अपना सेक्सुअल पार्टनर चुनने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में डिजिटल वर्ल्ड ने मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप कर ही दिया है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और भविष्य में ऐसी ही अन्य वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।